नमस्ते, मैं हूं हर्ष नागर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि क्या भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह बन सकते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति। हर्षवर्धन सिंह के माता पिता उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सयाना तहसील के सोजाना रानी गांव से हैं। क्या किसी ने सोचा था कि एक गुर्जर यूएसए प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट बन सकता है? आज तक इंडिया में कोई गुर्जर नेता चीफ मिनिस्टर तक नहीं बना है। वैसे सीएम क्या पीएम भी बन सकते थे अगर राजेश पायलट जी जिंदा होते तो। इसलिए कहते हैं आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। वैसे भारतीय मूल के सीईओज ने अमेरिका में धूम मचा रखी है। वो चाहे गूगल के सुंदर पिचाई हों या माइक्रोसॉफ्ट के बॉस सत्या नाडेला हों, पेप्सी की इंदिरा नुई हों या यूट्यूब के नील मोहन हों, स्टारबक्स के सीईओ भी भारतीय मूल के ही हैं, लक्ष्मण नरसिम्हा, अडोब के शांतनु नारायण या मास्टरकार्ड के अजय बांगा, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा। वैसे आपको पता है सीईओ होने की सबसे अच्छी बात क्या होती है? कि उनका कोई बॉस ही नहीं होता, सब उनके नीचे ही होते हैं। अब जो सीईओ कहे वो माई बाप करके मानना ही पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि एक यूपी के गांव का बालक कैसे बन गया अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए दावेदार। हर्षवर्धन सिंह के पिता त्रिभुवन सिंह 40 साल पहले अमेरिका जाके बस गए थे और 2 साल बाद अमेरिका में हर्षवर्धन सिंह का जन्म एटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में हुआ और इसलिए हर्षवर्धन के पास अमेरिकन पासपोर्ट है और इसीलिए वो वहाँ इलेक्शन में उतरने के लिए क्वालिफाई करते हैं। वैसे और भी कुछ नियम हैं अगर आपको अमेरिका में इलेक्शन लड़ना है, जैसे कि आपका जन्म वहाँ होना चाहिए जब आप वीज़ा के साथ वहाँ रह रहे हो, घूमते हुए टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं, और आप कम से कम 14 साल अमेरिका में रहे हों और आपकी उम्र कम से कम 35 साल की हो। हर्षवर्धन ने 2009 में न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद इन्होंने अपने पिताजी के साथ फैमिली बिजनेस में हाथ बटाया। इनका बिजनेस था स्पेशल मिसाइल डिफेंस, सैटेलाइट का नेविगेशन और हवाई सिक्योरिटी। 2017 में हर्षवर्धन ने न्यू जर्सी पॉलिटिक्स में कदम रखा और गवर्नर के चुनाव में 10% वोट्स भी पाए, पर वो ये इलेक्शन जीत नहीं पाए। फिर उन्होंने यूएस सेनेट और यूएस कांग्रेस, जिसे आप लोकसभा या राज्यसभा भी मान सकते हैं, ये चुनाव 2018 और 2020 में लड़े, पर अभी तक वो वहाँ जीत नहीं पाए हैं। लेकिन राजनीति इनके खून में है। इंडिया में इनकी पूरी फैमिली पॉलिटिकल है। इनके दादाजी नौनिहाल सिंह बीजेपी से चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 1992 से 1998 तक सांसद थे और इनके नाना जी हुकुम सिंह जी 1980 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रमुख चेहरे थे। वो एक दिग्गज नेता थे। हुकुम सिंह जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली, फिर जुडिशियल ऑफिसर का एग्जाम भी पास किया, पर कोर्ट की नौकरी ठुकरा कर उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। फिर 1962 की इंडिया चाइना वॉर में लड़े, 1965 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में कैप्टन रहे और 1969 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर पॉलिटिक्स में आ गए। मैंने कहा था ना, कुछ भी हो सकता है। हुकुम सिंह जी उत्तर प्रदेश में 7 बार इलेक्शन जीतकर एमएलए रहे। 1983 से 85 तक वो यूपी की विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर भी रहे और 2014 में उन्होंने अपना पहला लोकसभा इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में अपनी जगह पक्की की। हुकुम सिंह जी की 5 बेटियां हैं। ये तो आमिर खान की दंगल याद आ गई। इनमें से एक बेटी नंदिता सिंह हर्षवर्धन सिंह की माता हैं और इनकी दूसरी बेटी मृगांकिका सिंह ने अपने पिताजी की खेराना की सीट से ही 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी लड़ा और अपनी मौसी को मदद करने के लिए हर्षवर्धन खुद इंडिया आए थे। हर्षवर्धन ने कई गाँव में जाकर प्रचार भी किया और उन्हें थोड़ी हिंदी बोलनी और थोड़ी बहुत लिखनी भी आती है। अब इससे पहले कि कुछ अंटियां हर्षवर्धन के लिए रिश्ते भेज दें, मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले उनकी शादी हो चुकी है। अब देखते हैं कि अगर हर्षवर्धन सिंह को अमेरिका में वो करना है जो ऋषि सुनाक ने यूके में किया है, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा? अमेरिका में राष्ट्रपति वो बनता है जिसके पास 538 में से 270 इलेक्टोरल कॉलेज की सीट्स होती हैं। पर ये सीट एक एक करके नहीं, बल्कि आपको स्टेट की 51% इलेक्टोरल मेजॉरिटी जीतनी होगी और फिर उस स्टेट की सारी सीट्स आपको ही मिल जाएंगी।
मतलब उन्हें मेजॉरिटी बड़ी सीट्स जीतकर 270 या उससे ज्यादा सीट्स पानी होंगी, जो 2016 में इन्हीं की रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ने 304 सीट्स जीतकर किया था। आइए देखते हैं कि हर्षवर्धन राष्ट्रपति बनकर क्या करना चाहते हैं। वो अपनी रिपब्लिकन पार्टी की सोचधारा के साथ ही चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिकन सरकार कम खर्चा करे ताकि अमेरिकन लोगों को कम टैक्स भरना पड़े। वो अपने आप को प्रो लाइफ कहते हैं, मतलब वो अपनी स्टेट्स में अबॉर्शंस को बैन करना चाहते हैं। अभी अमेरिका में 50 में से 21 स्टेट्स में अबॉर्शन बैन है और वो गन्स की सेल को बैन नहीं करना चाहते। अभी 50 में से 44 अमेरिकन स्टेट्स में आप अपनी आईडी के साथ दुकान से गन खरीद सकते हैं और इसलिए कई मास शूटिंग्स की वारदातें वहां पे होती रहती हैं। हर्षवर्धन का मानना है कि अमेरिकी सरकार करप्शन कर बड़ी दवाइयां और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को जो चाहे करने दे रही है, जिससे वहां की जनता की सेहत और आजादी को खतरा है। वो कहते हैं कि कोविड में लोगों को एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन दी गई, इसलिए उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। उनका मानना है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी सोशल मीडिया को सेंसर करती हैं और लोगों के पॉलिटिकल व्यूज को बदलती हैं, फिर चाहे सच कुछ और हो। वो नहीं चाहती कि ये टेक कंपनियां ऐसा अनुचित व्यापार करें। हर्षवर्धन एआई के भी खिलाफ है। उन्हें लगता है कि अभी की अमेरिकी सरकार एआई का साथ देके आने वाले बिजनेसेस की खोज को रोक रही है। वो अमेरिका में पोलिश स्कूल्स के भी खिलाफ है। उन्हें लगता है ये स्कूल्स अपने ज्यूइश धर्म को स्कूलों में बच्चों पर थोप रहे हैं, जिससे बच्चों की सोच को खतरा है। हर्षवर्धन सिंह का कैंपेन सिंबल भी सिंह यानी कि शेर है। अब देखते हैं हर्षवर्धन के सामने चुनौतियां कौन सी आएंगी। सबसे पहले तो उनकी पार्टी से उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला करना होगा कि रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बल्कि उन्हें प्रेसिडेंट की टिकट दे। उसके बाद भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स की लाइन लगी हुई है। भारतीय मूल से ही दो और कैंडिडेट्स हैं, विवेक रामास्वामी जिनके माता पिता केरला से अमेरिका बस गए थे, और निकी हेली जो एक सिख फैमिली से हैं पर उन्होंने शादी एक अमेरिकी आर्मी मैन से की है। और अगर अभी के राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है तो फिर कमला हैरिस भी हैं जो अभी वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर हैं। इसी कुर्सी पर 8 साल जो बाइडेन बैरक ओबामा की सरकार के वाइस प्रेसिडेंट थे। पर कमला हैरिस पूरी भारतीय नहीं है क्योंकि उनके पिताजी वेस्ट इंडीज के जमैका से हैं, तो उन्हें ब्लैक अमेरिकन वोट्स भी मिलते हैं। कमाल की बात तो यह है कि दुनिया का सबसे डेवलप्ड और अमीर देश होने के बाद भी कोई औरत आज तक अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बनी है, बल्कि कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है। हर्षवर्धन को इंडियन अमेरिकन्स, साउथ अमेरिकन्स, फिलिपिनो वोट्स तो मिलेंगे, पर 75% क्रिश्चियन वोट्स एक हिंदू को अमेरिका में मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका की जनता को हिंदू धर्म अभी तक समझ नहीं आया है। उन्हें मूर्ति पूजन बहुत अजीब लगता है, इसलिए 2024 में हर्षवर्धन का जीतना नामुमकिन सा लगता है। पर अभी वो सिर्फ 38 साल के हैं, मतलब जो बाइडेन की आधी उम्र से भी कम। जो बाइडेन अब 80 साल के हो चुके हैं और शायद अब उन्हें आराम ही करना चाहिए। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि ऋषि सुनाक भी तो हिंदू हैं, तो उन्हें क्रिश्चियन वोट्स कैसे मिल गए और वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए। तो ऋषि और हर्षवर्धन में फर्क यह है कि ऋषि सुनाक पीएम बनने से पहले 8 साल हाउस ऑफ कॉमन्स में एमपी रहे हैं, जहां उन्होंने कई मिनिस्ट्रीज में काम किया है। वो चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी रहे हैं। कैबिनेट में उन्होंने ज्यादातर यूके की आर्थिक पॉलिसीज पे काम किया है। वो स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से भी हैं। कोविड में उन्होंने 330 बिलियन पाउंड की सहायता का प्रस्ताव दिया था और जो पूरा भी हुआ। 2021 का यूके का बजट भी ऋषि सुनाक ने ही दिया था। इन कारणों की वजह से जब पिछले दो प्राइम मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया तो इंग्लैंड जो ब्रेक्सिट और यूक्रेन युद्ध की वजह से आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था, तब हाउस ऑफ कॉमन्स के एमपीएस को लगा कि ऋषि सुनक ही हैं जो इंग्लैंड को अब बचा सकते हैं, इसलिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब हर्षवर्धन के पास अभी ना तो गवर्नर की कुर्सी है, ना ही सेनेटर की, ना ही कांग्रेस, पर उनके पास समय है। और अगर वो 2028 या 2032 में गवर्नर या वाइस प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बनते हैं तो गुर्जर समाज, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में खुशी की लहर होगी, कुछ हो या ना हो। पर हर्षवर्धन सिंह ने नई पीढ़ी को प्रेरित जरूर किया है।
और अगर आप ऐसी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।